प्रिया झौर, आप देख रहे हैं द एसजी न्यूज़। इस खबर में मैं आपको एक अनोखी शादी के बारे में बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि देखा आपने वीडियो में कि ये शादी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के साथ मोतिहारी के मंजूराहा गांव में हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे शादी का मंडप भी है, खाना हलवाई सब कुछ है, प्रॉपर शमियाना बंधा है, डीजे भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो शादी हो रही है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि दो जानवरों की हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे जो शादी हो रही है वो एक कुत्ता और कुतिये के बीच में हो रही है। आपको बता दें कि इस कुत्ते का नाम कोल्हू है, वहीं इस कुतिया का नाम बसंती है। और इन दोनों की शादी यहाँ पर धूमधाम से कराई जा रही है, जिसके बाद ये खबर सुर्खियाँ बटोर रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि इस तरीके की शादी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ का, मतलब ये आज तक हम लोग के उम्र में देखे नहीं थे। उम्र नहीं, हम लोग और नहीं जान रहा। कभी भी हम लोग देखे नहीं थे, इतना बड़ा उम्र हो गया आज देखने में, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है जी। इनका जो शादी करा रही है जी, ये तो शादी करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? ये हमारे छोटे अंकल और बड़े अंकल, सॉरी छोटे अंकल और आंटी के हो रहा है, मतलब ये लोग करा रहा है लोग। अच्छा, ये लोग करा रहा है जी। बच्चा लोग के हम जो सोचे से पूरा हो गया। अच्छा। तो हम भैरव भैया मानते हैं। अच्छा। भैरव जी, तो हम सोचे इनका शादी करा देते हैं। उसके बाद हम अगले साल आमा महुआ का शादी करेंगे, तुलसी का शादी करेंगे, उसके बाद अपने बच्चे लोग का शादी करेंगे। तो पहले हम भैरव भैया से शुरुआत किए हैं। तो ये आप लड़की मतलब किस पक्ष से हैं? मतलब आप किस पक्ष से हैं? लड़का के तरफ से। लड़का के तरफ से। लड़की के तरफ से क्या? कविता देवी। शादी कराने वाले पंडित धर्मेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि कुत्ते और कुतिया की शादी सभी को कराना चाहिए, क्योंकि ये भैरव का रूप होते हैं और इस तरह की शादी कराने से मनवांछित फल भी प्राप्त होता है। जी, क्या नाम हुआ आपका पंडित जी? मेरा नाम हुआ मन्नू पांडे उर्फ धर्मेंद्र कुमार पांडे। अच्छा, शादी तो आपने बहुत सारी कराई है। बहुत शादी कराए हैं, लेकिन आज जो है कुत्ता कुतिया की शादी हो रही है। हाँ जी, कुत्ता कुतिया। ये शादी इससे पहले आप कराए थे? हाँ जी, इसके पहले भी शादी कराए हुए हैं। कहाँ कराए थे? रघुनाथपुर में कराए थे। हाँ जी। और ये कैसी शादी करा रहे हैं? हाँ जी, दूसरा शादी ये करा रहे हैं। कैसा लगता है आपको शादी? अच्छा है। शादी अच्छा, ये गुणदायक है, फलदायक भी है। अच्छा, ठीक है ना। जिस समाज में जिस आदमी ये करता है, जहाँ कराता है, दुख और कष्ट का दूर करने वाला, ये समझिए कि जिसको बाल वंश भी नहीं है वो भी कराते हैं। जो मांगलिक भी है, संस्कारिक, जो मांगलिक दोष भी है, जिसको पत्नी मर जाती है वो भी ये कराते हैं। इससे क्या क्या और क्या लाभ होता है? इससे तो अनेकों लाभ है, जिसका कोई गिनती गणना की नहीं किया सकता। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को? हाँ, ये करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जिसको शारीरिक कष्ट हो, मांगलिक दोष हो, वो लोग ये करा सकते हैं। तो इस तरीके की शादी कुत्ते और कुतिया की करवाई जा रही है, क्योंकि पंडित जी का कहना है कि ये भैरव के रूप होते हैं और इनसे आपको मनवांछित फल मिलता है। अंधविश्वास हो या फिर जो भी हो, लेकिन कहें लोगों को एक मौका मिल गया जश्न मनाने का और उन्होंने कुत्ते और कुतिया की शादी करवाई, जिसके बाद ये खबर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। गांव-गांव में लोग हैरत में हैं कि लोग कुत्ते और कुतिया की शादी करवा रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए द एसजी न्यूज़ के साथ।